आज के वीडियो में हम बताएंगे कि छोटे बच्चों के कान कैसे साफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स दिखाओ दिखाओ। कई लोग आपको बताते होंगे कि कान साफ करने के लिए कॉटन बड अच्छा होता है, तो कई लोग ये सजेस्ट करते होंगे कि सरसों तेल कान में डालने को, लेकिन ये दोनों चीज क्या सेफ होते हैं कान साफ करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सेफ होते हैं। हमने किया था कॉटन बड, इससे कान तो साफ हो जाते हैं लेकिन इसके बहुत रिस्क भी है, खासकर छोटे बच्चे के लिए। अगर इससे छोटे बच्चे के कान हम साफ करें और अंदर तक घुसा दे तो इसका रुई खुल सकता है, या इसका रुई का हल्का पार्ट भी अगर कान के अंदर चला गया तो बच्चे को सुनने के लिए भी दिक्कत हो सकती है, उसके कान बंद हो सकते हैं और इसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कान के साथ कॉटन बड को लेकर छोटे बच्चे के बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में ना मम्मी आपको बताएगी ना कि कान कैसे साफ करते हैं। ये जो चीज़ होती है ना, अगर ये बच्चों के ऐसे कान के अंदर जाए या फिर ये खुल गया इसका ये रुई, तो वो जा सकते हैं। आपको मैं बताई थी ना, ये है सरसों तेल और ये मेरा दस्त चिक्कू। आपको इसका आँख नहीं दिख रहा होगा। और चलिए शुरू करते स्टार्ट। धन्यवाद, मैंने बस ये कान साफ करने का बताया है। अब बात आती है सरसों तेल की। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों के कान में एक बूंद सरसों का तेल डाल देने से वो फूल के कान का मैल बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। छोटे बच्चों के कान में कोई भी तेल नहीं डालना चाहिए, इसके कारण इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और कान से जुड़ी कई सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए आप सरसों तेल और कॉटन बड कान के अंदर डालकर छोटे बच्चों की कान सफाई बिल्कुल भी ना करें। मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कॉटन का कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए और पानी ले लूँगी। ऐसे इसमें डिप कर लिए, उसके बाद इधर घूमो तो प्रिंस बाबू इधर घूमो ना तब तो दिखाऊंगी मैं। बाबू इधर घूमो ना, कान के पीछे दिखाना है। मत करो। ये देखिए कान के पीछे ऐसे कॉटन के कपड़े भिंगा कर आप साफ कीजिए और फिर कान के ऊपर बाबू रुक जा, हल्का हल्का करेंगे बाबू रुक जा, हल्का हल्का से गुदगुद लग रही है। वेदांश को गुदगुद हो रही है। बाबू ऐसे हिलाना नहीं है, शांति से रह बाबू। नहीं होगा, एक मिनट रुक जा, गुदगुद रहते लेट जा, तू लेट जा, लेट जा। ऐसे बाहर से साफ करेंगे पानी से ही। अरे बाबू पानी एक हल्का चीज होता है, उससे कान पैसा पड़ता है। चुप हो जाना, और वो कान फट जाता है। यहाँ हमने बाहरी एरिया कान के साथ कर लिया। बाबू उसके बाद हम सूखे कपड़े से कान के अंदर का एरिया साफ करेंगे। ये तो गजको चको छक्को।
आप देख रहे थे जब मैं इसका कान साफ कर रही थी तो ये कितना ज़्यादा उछल कूद कर रहा था। ऐसे में अगर मैं कॉटन बर्ड से इसके कान साफ करती तो ये जितना उछल कूद इधर उधर घूम रहा था उससे ये अंदर चला जाता। और ऐसे में मैं अगर ये कॉटन बर्ड इसके कान के अंदर डालती तो ये कहीं भी इधर उधर मुड़ जाता, उससे इसके कान में दिक्कत आ सकती थी। वैसे तो जब बच्चा थोड़ा शांत रहे तभी दिक्कत आ सकती थी, इसलिए कॉटन बर्ड से कान साफ करना छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए इसे अवॉइड करें। हमेशा कॉटन के कपड़े ही यूज करें छोटे बच्चों के कान साफ करने के लिए, और अंदर पानी भिंगा कर ना करें क्योंकि पानी अगर अंदर चला जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ आउटर एरिया में आप कपड़े को पानी में भिंगा कर साफ करें, अंदर सूखे कपड़े से ही साफ कर दें। और अब बात रही कि कान के अंदर जो वैक्स जमा होता है उसे कैसे साफ करें, तो उसे साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो जब भर जाता है तो अपने आप बाहर निकलने लगता है, जो आपको जब आप कपड़े से साफ कर देंगे उस समय ही दिख जाएगा और वो बाहर से ही साफ हो जाएगा। और जब छोटे बच्चे को हर 2-3 महीने के बाद वैक्सीनेशन देने के लिए आप ले जाते हैं उस समय आप डॉक्टर से उसका कान का चेकअप भी करा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि कान में कान के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्स जमा हो जाता है, उसे कुछ साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना रहती है, तो डॉक्टर खुद कान के लिए एक ड्रॉप लिख कर देते हैं, उस ड्रॉप को छोटे बच्चे के कान साफ करने के लिए यूज करना चाहिए। पर नॉर्मली कॉटन कपड़े से ही काफ़ी है उसका कान साफ करना, इसलिए तेल या कॉटन बर्ड आप यूज ना करें। जी देखिए साफ हुआ है, मेरा कान तो एकदम क्लीन ही था, उम्मीद तभी अभी आपको दिखाने के लिए साफ करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और क्लैरिटी हुई होगी कि छोटे बच्चों के कान साफ करते समय क्या करें और क्या ना करें और क्या नहीं करें।